कर रहे हैं, किसी को पकड़ के बुला रहे हैं, क्या आप मेरी बात सुनो, इतने कथाकार है वो पकड़ के बुलाते हैं, लोग जाते हैं, उनकी मर्जी है, कोई साईं बाबा में जाता है, कोई दुर्गा मंदिर में जाता है, कोई कहीं जाता है, जिसको जहां जाना है जाए। क्या ये जो हालो लालू करके ये दिखाते हैं कि एक महिला हुई और इशू आए और इशू होते वो दौड़ के नूदे, कभी किसी ने उनसे भी पूछा कि ये क्या है? हैं? वो जो मस्जिद में ताबीज पानी में डुबा के जाबे जमजम में खिला देते हैं, कभी उनसे पूछा साइंटिफिकली? वो शोषण कर रहे हैं किसी का, पैसा बना रहे थे उससे? अगर किसी को किसी की बातचीत से उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम खत्म हो रही है, उसको दुख का उसका निवारण हो गया, उसे शांति मिल रही है, तो बागेश्वर धाम कोई बुरा काम कर रहा है क्या? क्या इस देश का शंकराचार्य, जिसे आपने रात के 12 बजे आपने तमिलनाडु में उठा के खींचा इसलिए कि वो कन्वर्जन को रोक रहा था, तो आपने उसको जेल में आरोप लगाया बलात्कार का, वो मर गया? आप हर उस आदमी के खिलाफ यही षड्यंत्र करते हैं। तो भाई कन्वर्जन तो पूरे देश में है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। क्या हिंदू कन्वर्ट कर रहे हैं किसी को? तो जो कन्वर्ट कर रहे हैं उनसे पूछा कि भाई ये हुलूलुलू करके जो तुम सुबह से शाम तक आदिवासियों को एक ग्लूकोज का बिस्किट देते हो, एक पेप्सी देते हो, और उसके बाद तुम कन्वर्ट करते हो, तो कम से कम बागेश्वर धाम न किसी को कन्वर्ट कर रहा, न किसी को बुला रहा, न पैसा ले रहा, लेकिन आप आरोप लगा रहे हो। और ऐसे लोगों का मैंने अक्सर हाल देखा है कि जब तर्कों से वितर्कों से हार जाते हैं तो कुछ दिन बाद आएगा, अरे साहब इनकी सीडी पकड़ी गई है, फिर चार महिलाएं कहीं से खड़ी कर दी जाएंगी, ये सब होगा। तो बागेश्वर धाम के इस बात के मैं पूरी तरह साथ हूं कि एक आदमी वो माइंड रीडिंग करता है नहीं करता ये मुझे नहीं मतलब है, लेकिन लोग तो जा रहे हैं ना, कोई पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं ना, अगर उनको शांति मिलती है तो जाने दो ना। क्या केंद्र सरकार के पास, सरकारों के पास लोगों के दुखों का कोई जगह है? लोग अलग अलग तरीके की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में है, अलग अलग डिस्ट्रेस है, अगर किसी को कहीं जाने से लगता है तो रोकते हैं। मैं बहुत सारे मंदिरों में जाता हूं, आज भी सिद्धिपीठ में गए, मुझे अच्छा लगा, चलो इस पर भी कोई रोक लगाएगा भाई। सर गांधी देश के लिए नुकसान दे थे या फायदेमंद? देखिए ये तो आपने बड़ा सवाल पूछा, गांधी जी राष्ट्रपिता थे, ये भी मुझे पता नहीं कि कैसे राष्ट्रपिता थे, किसने उन्हें राष्ट्रपिता बनाया। इतिहास में हमेशा चर्चा होती है, गांधी पे चर्चा होगी, गांधी जी ने बहुत सारे काम गलत किए।